आज जो स्वच्छता ही सेवा सिंगल प्लास्टिक बैन ऑफ सिंगल प्लास्टिक ये आज स्टार्ट किया है। जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी आज मथुरा में उन्होंने स्वच्छता ही सेवा को लॉन्च किया है। हमने यहाँ पे हावड़ा स्टेशन में मेरी पूरी टीम जो है हेडक्वार्टर से आई हुई है और ग्यारह हावड़ा और उसके सारे अधिकारी यहाँ इस स्वच्छता ही सेवा को आज लॉन्च करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है हमने श्रमदान भी किया है। हमारे स्काउट एंड गाइड्स ने बड़े अच्छे एक नृत्य नाटक और एक नुक्कड़ नाटक किया है। इसका मैसेज है कि हमें पूरे अपने परिसर को साफ स्वच्छ रखना है और प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बंद करना है ताकि हम अपने पर्यावरण को साफ सुंदर और स्वच्छ रख सकें, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम आपसे सभी पैसेंजर से भी इस माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें भारतीय रेल का और मानव जाति का अपना अपने आप को इम्प्रूव करके अपने कंडक्ट को इम्प्रूव करके इसको इस मिशन में अपना योगदान। अगर हर एक आदमी में एक सिंगल पर्सन में ये अवेयरनेस आ जाएगी मुझे स्वच्छता रखनी है मुझे गंदगी नहीं फैलानी है तो ये अपने आप ही ये मिशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल। सर जी 2 अक्टूबर थे अपने पिताजी के साथ तो थैला लेके जाते थे और मैंने ही अभी थोड़े दिन पहले जूट के 2 अपने थैले खरीदे हैं जिसमें कि आप प्लास्टिक में क्यों लेते हैं सामान, अगर आपको जब देता है दुकानदार तो आप मत दीजिए अपने थैले में डलवाइए। हमें याद है कि बिस्कुट हम जाते थे बचपन में घर से वो अपना दूध घी और आटा लेके जाते थे दुकान का अपने दुकान के पास वहाँ बिस्कुट बनवा के लाते थे स्टील के डिब्बे में बनवा के लाते थे वही बिस्कुट हमारे माताजी और पिताजी हमें देते थे खाने के लिए। ये अभी समय के अनुसार जो अभी पूरा एक पूरे ही एक हमारी इंडस्ट्री सब में एक जागरूकता जब तक नहीं आएगी और जब तक इसका प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तब तक ये इसको पूरा मतलब उसमें 100% होना मतलब मुश्किल है और धीरे धीरे हो जाएगा। अब एक अवेयरनेस एक शुरुआत हुई है तो जैसे ही ये एक अवेयरनेस फैलेगी और सभी उसके पालन करेंगे तो ये बंद होगा और ये हमें अपने से ही करना है। हम पहले खुद ही क्यों ना सुन हम क्यों ना उसको दुकानदार को कहें हमें प्लास्टिक में मत दीजिए हमारा थाना लेके जाएंगे उसका जूता या कॉटन का उसको लेके पंक्चुअलिटी अभी जो है पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आज भी मैं पंक्चुअलिटी सुबह देखी है 83% है जो पिछले समय में उससे पिछले वर्ष में इसी की तुलना में काफ़ी इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। सेफ्टी को लेकर बहुत काम हुए हैं और आप पिछले वर्षों से देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब ये इसमें जो 100% जो आप चाहते हैं उसमें समय लगेगा थोड़ा सा वो भी हमारा प्रयास है वो सब करने की सभी लोग हम लोग प्रतिबद्ध हैं पूरा भारतीय रेल इसमें ऑलरेडी 3 सितंबर से एक क्लीनलीनेस ड्राइव चल रहा है 10 दिन का और एक स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। क्या 2 अक्टूबर के बाद जो प्लास्टिक में पैक फूड वगैरह जो मिलते हैं ये क्या प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे? बैन हो जाएगा 2 अक्टूबर के बाद सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैन। तो क्या जो प्लेटफॉर्म पर जो बिस्किट केक वगैरह जो मिलते हैं ये क्या बंद हो जाएगा पूरी तरह से मिलना? और ट्रेन में कार में जो मिलता है जो खाना जिसमें बटर या बिस्किट पैकेट रहता है वो सब में भी बदलाव निकलेगा। सर ईस्टर्न रेलवे की ज़्यादातर लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट लेट से चलती हैं वो देखेंगे आपने बताया वो देखेंगे। अपने पिताजी के साथ तो थैला लेके जाते थे और मैंने ही अभी थोड़े दिन पहले जूट के 2 अपने थैले खरीदे हैं जिसमें कि आप प्लास्टिक में क्यों लेते हैं सामान, अगर आपको जब देता है दुकानदार तो आप मत दीजिए अपने थैले में डलवाइए। हमें याद है कि बिस्कुट हम जाते थे बचपन में घर से वो अपना दूध घी और आटा लेके जाते थे दुकान का अपने दुकान के पास वहाँ बिस्कुट बनवा के लाते थे स्टील के डिब्बे में बनवा के लाते थे वही बिस्कुट हमारे माताजी और पिताजी हमें देते थे खाने के लिए। ये अभी समय के अनुसार जो अभी पूरा एक पूरे ही एक हमारी इंडस्ट्री सब में एक जागरूकता जब तक नहीं आएगी और जब तक इसका प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तब तक ये इसको पूरा मतलब उसमें 100% होना
मतलब मुश्किल है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। अब एक अवेयरनेस एक शुरुआत हुई है, तो जैसे ही ये एक अवेयरनेस फैलेगी और सभी उसके पालन करेंगे तो ये बंद होगा। और ये हमें अपने से ही करना है, हम पहले खुद ही क्यों ना सुन, हम क्यों ना उसको दुकानदार को कहें प्लास्टिक में मत दीजिए, हमारा थाला लेके जाएंगे उसका जूता या कॉटन का उसको।